देसी धान कैसे नहा रहे हो जी? मोटर चालू करे। इतनी तेज धूप है, इस धूप में नहाने का मन कर। नया लेवा मारने का तरीका देखिएगा, क्योंकि ट्रैक्टर वाले पानी यहाँ पहुँचा नहीं था तो ट्रैक्टर वाला मार के भाग गया। बाल हमारा जो छिलवा दिए थे इसलिए टकला दे रहे दोनों भाई, क्योंकि पास ही कहाँ जा रहे हैं लोटा लेके। देखा ना, नहीं बाहर है बल्कि चाचा के खेत में पूरा पानी भर गया, पता नहीं चल रहा है उनका खेत कहाँ है कहाँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग में। वैसे इंट्रो देखो को पता चल ही गया होगा ना। आज हमारे खेत की ओर वाली बाई, मैं चलने वाला हूँ यहाँ से। पहले खाद लूँगा, खाद लेने के बाद खेत में जाऊँगा, खेत में जा करके पानी चलेगा, पानी चलने के बाद वहाँ पे बेहन डाला हुआ है, बेहन डालने जो डाला गया है उसको खुवाएंगे, उसके बाद खेत में बैठेंगे। बहुत सारा कार्य खेत में होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। धूपी अच्छे से हो गई है, बाहर को बाहर का मौसम कितना अच्छा है। कल बरसात हुई थी दो तीन दिन से, तब से मौसम आ गया है, मौसम अच्छा खासा हो गया है ना। चलते हैं उसी से। वैसे पैदल चल जाएंगे खेत में, लेकिन चलेंगे हम आज बाइक से। ये हो गई दवा, हो गया खाद, फिर खाद ले लिया इस बाइक पे, अब चलते हैं, है ना। तो दोस्तों आ गए खेत में, और जैसे आ रहे वैसे बरसात होना शुरू हो, वहाँ पर मेरी जड़ी पड़ी हुई है बेहन, खेत वहाँ पे है, चलते हैं वहाँ पे अभी। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। आ गए हम लोग इंजन पे, पानी चलेगा शुरू होगा, आदमी वहाँ लगे हुए हैं। बरसात आने वाली, वैसे लगी नहीं रहा बरसात होगी, लेकिन शायद मौसम का सुहावना इतना बढ़िया है, शायद बरसात हो जाए, है ना। ये उठाता हूँ इसकी धरती सुना उगले उगले हीरे मोती। वैसे हाइट देख करके आप लोग तो किसान नहीं, लेकिन करना पड़ता है ना काम, अपना काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा का खेत है रहा मेरा, इसमें घुसते हैं। चलना शुरू हो गया, देखो आपके भाई का यहाँ से पानी चलेगा, चाचा का हो गया, उसके बाद मेरा वाला होगा, वो वाला अभी आदमी वो कर रहे हैं, पानी आ रहा है, क्या बात है, चल रहा है, कुछ देर में हो जाएगा। लोग कह रहे हैं जो बोने वाली हैं कि पहले लोग अगर बहन बैठाते तो गाना गाते थे संगीत, लेकिन अब सब कह रहे हैं मेकअप करने वाली हैं। कैसे गाएंगी। तसला यहाँ से, हाँ उठा ली, चला गया। अब वो सब आने वाला नहीं है कि खेत में बेहन जरई डालें, गाड़े धान के भी तो उपाय करें। आपने लोग यहाँ क्या कहा था कमेंट में बताइएगा। जरई ये एक बजे जोर इसको मिलाते हैं। चाचा का खेत उतना हुआ है, मेरा खेत होने में बाकी है, लेकिन चाचा का लड़का जो है धुल रहा है बोरी अपना, और हम छाता लेकर मौज करिए। देखो छाता है ना, गर्मी लग रही, छाता लिया हूँ। धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, बरसात होने का समय था लेकिन बरसात नहीं हुआ, अच्छी बात है नहीं बरसात हुआ तो। और हमारे खेत के बगल में एक पोखरा है, लगभग नहीं नहीं तो 20 फीट गहरा ही होगा ही, और इधर पूरी लंबी चौड़ी मेड़, इस बार अच्छा रहेगा ताकि पानी खेत में ही टिकेगा, है ना। देसी धान कैसे नहा रहे हो जी? मोटर का आनंद लेते हुए गर्मी का। देखो खेत में नहा रहे हैं देसी ना। ये देखो मोटर का पानी चल रहा, अभी खेत में आधा हुआ है, अरे भाई साहब जो है ये खेत में नहा रहे हैं गर्मी से। देहाती लोग ऐसे ही ना, जहाँ पानी मिला वहीं नहा लिए, गर्मी इतनी ज़्यादा है और पानी भी खूब तेज हर हर हरा आ रहा है। एसी नहीं चाहिए हमको। हाँ क्या चाहिए? एसी नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए। यही चाहिए खेत में पानी चाहिए। मिले अब भोजन तो आ ही जाएगा घर से, है ना। हाँ नहीं नहाओगे? कौन सा नहा नहा रहे हैं? टुक टुक कौन सा नहा नहीं ये देसी नहा, देखिए अभी तक नहा ही रहे हैं। बाप यहाँ नहा रहा है, बेटे को देखो। हाँ बेटा का क्या कर रहे हो जी? है क्या कर रहे हो? और देखो चप्पलवा उसका बैठ गया, अरे देखो चप्पलवा इसका फांस गया। चप्पल निकाल के आना चाहिए खेत में, हैं चप्पल निकालो दूसरा वाला, जब एक घुंडी उसका टूट जाएगा। अब चप्पल निकाल के उसको घुंडी को धुलेगा आराम से। चलो बाहर चलो, पैर साफ है तुम्हारा? वाह तो साफ हो गया, बात लो बात चलो। कब तक नहाओगे? अरे देखो अभी एक बार नहाया है, फिर चप्पल धुला इसका, अब फिर नहा रहा है, ये देखो। आ,
नहान बा जब जे खेत में बेहन बैठता है तो उसमें गर्मी लगती है। धूप देखो, नहीं देखो, इतनी तेज धूप है, इस धूप में नहाने का मन करवा करे। क्यों जी, तुम भी नहाओगे? चलो निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, पैर गंदा मत करो। जाना था, लाइट भाग गया, क्या करें। अभी पूरा खेत तो भरा नहीं, थोड़ा सा बाकी है। इधर चाचा का खेत थोड़ा सा बाकी है। आपके भाई का खेत जरूर आज करेगा, चाहे जो भी हो, शाम तक तो करेगा ही, है ना। हमने कहा था पर ये बैठाने का, आप लोग करने का मतलब यही है। हमारे यहाँ देसी भाषा में किसान लोग यही बोलते हैं, बेहन को बैठाने को गाड़ना भी बोलते हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के होंगे वो सब समझते होंगे। बात आ गया, कोई बात नहीं, लाइन भाग गई तो पानी तो भगवान देंगे। वाह क्या मौसम, क्या बात है, क्या सुंदर नज़ारा ग्रामीण देश का। इतना पानी भर गया, थोड़ा सा बाकी था तो भगवान उतना बरसा ही रहे। देखो मौसम क्या सुंदर नज़ारा है। वाह आ गए हमारे काका जी, जैकेट आए देखिए। वाह दोस्तों, आपको पता है कौन सी चिड़िया है? देखने में तो कौवे जैसा है पर कौवा नहीं है। ये हमारे जो है कुदाल पे यानी फरुआ पे बैठा हुआ है, बैठी हुई है कि बैठा हुआ है, जो पहचानने होंगे जानते होंगे इसका क्या नाम है। बहरहाल मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन है तो बहुत प्यारी चिड़िया। अक्सर कुछ लोग कहेंगे कोयल है, कोयल नहीं है। देखिए उड़ गई, ये देखिए चली गई, पता नहीं क्या कौन सी चिड़िया। शाम हो गई है, बैठते थे, देखिए मेरे चाचा का लड़का बैठा चुका है, पूरा हंस रहा है। देखिए तो देखिए हंस रहा है बैठा के, हमारा बैठ के देख रहा है। हमारा खेत पूरा बैठ गया। कितना है? पूरा खेत बैठ गया हमारा। अरे पूरा खेत बैठ, देखिए दोस्तों पूरा खेत बैठ गया। हमारी बारी आ गई है, शाम का समय हो गया, आदमी लोग बैठा रहे हैं। भाई का खेत बैठ रहा है। हाँ क्या कर रहे हो? बड़े भाई का खेत बैठ, हाँ बड़े भाई का खेत बैठ रहा है। अभी हम चल रहे वहाँ से मेरी भाई, यहाँ पानी चल रहा है, कभी आती है कभी जाती है, क्या करूँ। अब मेड़ से उधर बांध ना, पहले जाके पानी फिर आ गया, पहले मेड़ पूरा बांध दे मेड़ वो वाला, ताकि पानी वहाँ लाख हो जाए, है ना। पानी लाख हो जाएगा तभी आएगा, मेरे बात ना है। पानी वहाँ से आ रहा है, ये देखो यहाँ पर पानी नहीं है ना, यहाँ पानी पहुँचाना है, ये मेरे बात ना है। नया लेवा मारने का तरीका देखिएगा, क्योंकि ट्रैक्टर वाले पानी यहाँ पहुँचा नहीं था तो ट्रैक्टर वाला मार के भाग गया। अब मेरा भाई दिखाया, रिकॉर्डिंग करेगा ये, अब दिखाएंगे कैसे मारते हैं। चलो ये है देसी लेवा मारा, ये देखिए देसी लेवा मारने का जुगाड़। देखिए दोस्तों पूरा खेत होने में बाकी रह गया, उधर थोड़ा सा हो गया है, अब बीच में बाकी है, इतना हो गया। अभी पाइप बटोरे, पहले तार भी बटोरना, उस लाइन आया है वहाँ से, पूरे शाम हो गई। देखिए अंधेरा होने वाला है, थोड़ा सा खेत बच गया, अब जो है कल होगा। पानी भी अच्छे से चल गया आपके भाई का, आज थक गया हूँ पूरी तरह से थक गया हूँ, आज चलता हूँ घर पे। सुबह हो गई, अब सुबह में हमारा जरई जो है बैठ गया। देखिए पूरे इतना बरसात हुआ रात में, देखिए मेरे भाई का, मेरे भाई, हाँ कितना बरसात हुआ, बहुत तेज बरसात हुई है। देखिए रात 1 बजे से बारिश हो रही है, रात 1 बजे से बारिश हो रही है, सुबह हो गई लगभग 9 बज गया। देखिए मौसम
भाई हम लोग जो है यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, बाल हमारा जो छिलवा दिए थे इसलिए टकला नजर आ रहा है दोनों भाई, क्योंकि पास ही परिवार का कोई शांत हो गया था इसलिए दोनों लोग छिलवा लिए हैं। और अब देखिए नज़ारा यहाँ से क्या है, जब कल यहाँ तक गाड़े थे सब और वो पूरा यहाँ तो भर गया बंधा, जो भी भगवान बरसे थे नहीं बरसे थे पूरा हो गया, दिख रहा है आज सबका पूरा दिख रहा है पानी पानी। तो आज ये जरई यानी कि मेरा खेत जो है धान का खेत बैठ गया, भाई का जरई यहाँ पे बैठा था उखड़ गया, जो आप खाली देख रहे हैं उसी रख लो जूम कीजिए, जो ये खाली देख रहे हैं दिखा रहा हूँ हाथ वहाँ यहाँ पे जो है खाली दिख रहा है, ये है ना ये इनका जरी बैठा जो वहाँ पे जो हमारा जो था वहाँ पे था, देखिए इस खंभे के बगल में, इस खंभे के बगल में जो है, एक मिनट दिखाते हैं जूम करके, जूम कर देंगे। तो ये था मेरा वाला, ये पास में मेरे गुड्डू भाई का उधर है गर गया, लेकिन अब देखिए पूरा जलमग्न है, कल के जो खेत आप देखा थे पूरा खाली था लेकिन पूरा आसपास सब जलमग्न, एक ही दिन के बात है कि रात में भगवान एक बजे से बरसात शुरुआत किए और बरसात अभी तक हो रही, लगभग 9 बज गए हैं है ना। सब कहाँ जा रहे हैं लोटा लेके देखा था पूरा इधर उधर पूरा खेत खाली था, आज देखो ये रहा मेरा खेत, इसमें पानी मैंने उधर से कटवा दिया, देखो वहाँ से बह रहा है ना, वहाँ से बह रहा है, अब बहते हुए ऐसे वैसे 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 वहाँ देखो ये पोखरा कटा हुआ है, इस पोखरे में पानी मेरा जा रहा है ना, और सारे खेत का यहीं पर जाएगा। अब देखो लबालब यहाँ से पूरा खेत भर गया, जैसे लग रहा है तालाब, एक बड़ी सी नदी, एक दिन में इतना बदलाव हुआ है, देख लो इतना बदलाव एक दिन में है ना। और इधर से देखने काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, मौसम शाम का ही नज़ारा है, वो हम सुबह में इतने आए, हम खेत देखने अपना आए थे कि देखें कितना पानी बहा कितना नहीं बहा है, बल्कि चाचा के खेत में पूरा पानी भर गया, पता ही नहीं चल रहा है कि उनका खेत कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि उन्होंने मेड़ी नहीं बानी थी, हमने अपने खेत से पानी कटा दिया है उधर से। जरई गाड़ने की वीडियो, किसानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, चैनल पर पहली बार आया चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार सत श्री अकाल सब अखैर।